प्रकृति निवास करेगी। क्यों? प्रकृति चैतन्य नहीं है? प्रकृति का चैतन्य रूप है या नहीं है? प्रकृति का भी चैतन्य रूप है, पुरुष का भी चैतन्य रूप है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश शास्त्रों में इनको देवता का रूप दिखाया है या सिर्फ जड़ रूप ही है? देवता का रूप ही दिखाया है। तो ये भी चैतन्य स्वरूपधारी है, प्रकृति भी चैतन्य स्वरूपधारी है। चैतन्य माने स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? प्रकृति है स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। माना प्र माने प्रकट रूपेण, प्रति माने किया हुआ कार्य, प्रति माने रचना। भगवान ने जिसकी प्रकट रूप से रचना रची है, एड़ी से लेकर के चोटी तक की सारी ताकत भगवान ने उसके निर्माण में लगाई दी है, तब प्रकृति तैयार हुई है। इसलिए प्रकृति इतनी पावरफुल है। वैसे सर्वशक्तिवान माया को कहा जाता है, भगवान को सर्वशक्तिवान कहते हैं और माया को सर्वशक्तिवान कहते हैं, लेकिन माया ईश्वर के बच्चों का अभी तक भी कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। बिगाड़ पाई है क्या? नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन माया भी जब प्रकृति के साथ मिल जाती है तो भयंकर रूप धारण कर लेती है। तो प्रकृति ज्यादा पावरफुल हुई या माया ज्यादा पावरफुल हुई? है प्रकृति ज्यादा पावरफुल हो गई, क्योंकि माया हम बच्चों का अभी तक कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। जो ईश्वर के बच्चे हैं, हार खा लिया क्या? नहीं हार खाई। लेकिन प्रकृति का जब सहयोग मिलता है माया को, तब हम बच्चों की ऐसी तैसी कर देती है, फाइनल पेपर लेती है। उस फाइनल पेपर में सब बच्चों को डावाडोल करती है। इसलिए उसका नाम है प्रकृति। प्रकृति में जैसे माया के पांच सहयोगी हैं विशेष, कौन कौन? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ऐसे ही प्रकृति के भी पांच सहयोगी हैं, जिनके संघात से प्रकृति कहा जाता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, ये पांच तत्वों का संघात मनुष्य का शरीर भी है। मनुष्य का ही शरीर नहीं, जानवर पशु पक्षी जो भी हैं, उनका शरीर भी पांच तत्वों का संघात है। उन पांच तत्वों में सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, मुख्य तत्व कौन सा है? है पृथ्वी। तो ये पृथ्वी जो है उसमें पांचों तत्व समाये हुए। क्या? पृथ्वी में जितने पांच तत्व समाये हुए हैं, इतना और कोई भी तत्व नहीं है जिसमें सब तत्वों का समावेश हो। इसलिए पृथ्वी मुख्य है, और पृथ्वी ही वास्तव में माता कही जाती है। धरणी माता कहते हैं ना, धरणी माता, पृथ्वी माता इसलिए कहा जाता है कि उसमें धारणा शक्ति जाती है। पृथ्वी इसलिए कहा जाता है, प्रथुलातीति पृथ्वी, जो चौड़ी होती जाती है, बढ़ती जाती है। जैसे माता होती है ना, तो माता पहले तो कन्या होती है, चौड़ी चकरी तो नहीं होती। फिर जैसे जैसे बच्चे पैदा होते जाते हैं, वैसे माता का रूप बदलता, वो कन्या का रूप बदलता जाता है, चौड़ी हो जाती है।
तो ऐसे ही ये पृथ्वी भी पहले छोटा सा टापू थी, क्या कन्याकुमारी थी कि अधर कुमारी थी? कन्याकुमारी थी, पहले कन्या थी, फिर जब द्वापर युग द्वैतवादी युग शुरू हुआ, दूसरे दूसरे धर्म पिताओं का आकर के वर्चस्व इस पृथ्वी पर शुरू हो गया, तो पृथ्वी जो है विस्तार को पाने लगी, प्रथुलाती और धर्म खंड वाली बन गई। पहले सिर्फ भारत खंड था, फिर अरब खंड आए इस्लामियों के आने से, बौद्धियों के आने से चीन जापान खंड आए, रसिया वगैरह का थोड़ा हिस्सा, तिब्बत वगैरह, उसके बाद क्रिश्चियंस आए, यूरोपीय देश वगैरह आए, तो क्रिश्चियन धर्म खंड बन गया। ये धर्म खंड बढ़ते गए और पृथ्वी का रूप भी चौड़ा होता गया। ये पृथ्वी माता कही जाती है। किसकी माता? देवताओं की माता सिर्फ, या जगत माता? क्योंकि जब चौड़ी हो जाती है तो सब धर्मों की माता है, ऐसे नहीं सिर्फ भारतवासियों की माता है। उस जगत माता को जगदम्बा कहा जाता है। क्या? जगत माता को जगत की अम्बा कहा जाता है। वो जगदम्बा अनेक बच्चों वाली है, सारी दुनिया उसकी गोद में पलती है। सारे जगत की अम्मा होगी तो सब उसकी गोद में पलेंगे ना। उसका जो रूप है जड़ रूप, वो भारतवर्ष में दिल्ली को दिखाया गया है। दुनिया में एक शहर दिल्ली ही ऐसा है जहां सब धर्म के लोगों ने अपना राज्य स्थापन किया है। हर धर्म के लोगों ने दिल्ली की गोद में राज्य किया है। दुनिया में और कोई ऐसा शहर नहीं है, कैपिटल नहीं है, जहां हर धर्म के लोगों ने राज्य किया हो, है ही जगत जननी। तो अव्यक्तवाणी में भी बोला गया है, दिल्ली का परिवर्तन सारी दुनिया का परिवर्तन, दिल्ली का सुधार सारे भारत का सुधार हो जाता है। दिल्ली मुख्य है। अजय, हाँ, दिल्ली कब्रिस्तान और दिल्ली परिस्तान। काली का काम क्या है, परिस्तान बनाएगी या कब्रिस्तान बनाएगी? है? काली तो मार काट के सारी दुनिया को असरों से चौपटा कर देगी, तो कब्रिस्तान बनेगा ना। तो उसका काली रूप भी है, इसलिए बोला है मुरली में जगदम्बा महाकाली का रूप भी धारण करती है। जब सतो प्रधान है तो दुर्गा है, दुर्गुणों को दूर करने वाली है, और जब तमो प्रधान है तो महाकाली है। बाबा दीपावली के दिन सभी स्टेट में लक्ष्मी की पूजा करते हैं, और कलकत्ते में उस दिन काली माता की पूजा होती है, तो वो भी रात के 12 बजे के बाद, क्योंकि कलकत्ता भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ भारत भर में नहीं दुनिया का सबसे बड़े से बड़ा वैश्यालय रहा है। हर व्यक्ति एक पत्नी अपने घर में रखेगा और एक पत्नी दूसरी और बनाएगा, तीसरी और बनाएगा, और उसको दूसरा घर बना करके देगा। तो घर घर में वैश्यालय हो गया, ऐसा और कहीं शहरों में इतना नहीं देखने में आता, इसलिए काली कलकत्ते वाली गाई हुई है। लक्ष्मी पूजा के दिन सभी जगह लक्ष्मी की पूजा होती है, और उस दिन वहाँ पे कलकत्ते में काली पूजा होती है।
क्योंकि वो सब देवियों में मुख्य मानते हैं महाकाली को। तीन ही तो मुख्य देवी हैं, तीन मुख्य देवता हैं। कौन है मुख्य देवता? तीन, ब्रह्मा विष्णु शंकर, और तीन उनकी देवियां हैं। उन तीन देवियों का जितना गायन है उतना और कोई देवियों का गायन नहीं है, इसलिए गायत्री तीन का गायन है, इसलिए नाम गायत्री पड़ता है। और जो बाबा ने अभी बताया तो साहब जाते जो है वो आठ ही होते हैं ना बाबा? सबका साहब एक है, चाहे सजा खाने वाले हो और चाहे सजा न खाने वाले हो। सजा खाने वालों की संख्या तो अकूत है, ढेर की ढेर है, लेकिन जो सजा नहीं खाते हैं वो ही वास्तव में बाप के बच्चे हैं। इतना ऊंचे से ऊंचा बाप, ऊंच से ऊंच बाप के बच्चे, और वो बच्चे भी बाप के सामने सजा खाएं। कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है और उसका बच्चा कुपत्ता निकले, वो गंदे गंदे काम में पकड़ा जाए पुलिस में, और वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जाए कि देखो ये हत्यारा है, ये ऐसा ऐसा काम करता है, वैसा वैसा काम करता है, तो जज की क्या हालत होगी? हो जाएगा ना। तो ऐसे ही बाप के असली बच्चे तो आठ ही हैं, जो जो सजाएं नहीं खाते हैं, बाप का नाम बदनाम नहीं करते हैं, बाप का नाम बाला करते हैं। और बाबा वो जो साहब जाते हैं वो साहब जाते वो कब तक संपन्न बनते हैं? वो जब तक संपन्न नहीं बनेंगे तब तक नई दुनिया भी नहीं बनेगी, या यूं कहो जब नई दुनिया बनती है तो साहब जादे भी संपन्न बन जाते हैं। उषा घाट जैसे होते हैं पत्तों में कांटे जैसे होते हैं, कुशा घास चढ़ाते हैं, कुशा घास। बाप कहते हैं मैं बच्चों पर अर्पण होता हूँ, बच्चे बाप के ऊपर अर्पण होते हैं। क्या जो मातेले बच्चे होते हैं वो अच्छे माने जाते हैं या पितेले अच्छे माने जाते हैं? मातेले अच्छे माने जाते हैं। तो एक तो गणेश जी थे माता के पुत्र, माता की रचना, और एक थे कार्तिकेय, वो पिता की रचना थे। जो कार्तिकेय हैं वो दक्षिण भारत में पूजे जाते हैं, उत्तर भारत में मान्यता उतनी नहीं है, और जो गणेश हैं वो महाराष्ट्र से लेकर के सारे उत्तर भारत में गणेश की पूजा होती है। क्यों? क्योंकि वो तीनों देवताओं को विशेष मान्य है, तीनों देवताओं ने अपना सारा लकब उनके ऊपर रख दिया कि तुम्हारी पूजा पहले होगी। हम बच्चों पर माया का अटैक होता है, तो माया तो पांच सितारों को कहा जाता है, तो जो बेसिक में चित्र बना है दिखाया कि शिव ज्योति मंदिर का दिखाया है, शिव ज्योति मंदिर दिखाया है, और जो विकार है पांच भूतों के रूप में दिखाया है, और उनके ऊपर उसकी किरणें पड़ रही है तो वो चटपटा रहे हैं, तो विकार है पांच भूत है, तो वैसे भूत कहा जाता है सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को। तो हम बच्चों पर उस समय सूक्ष्म शरीरधारी भूत जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा है क्या स्थूल शरीरधारी में प्रवेश करके पार नहीं हो जाते? तो वही पूछ रहा था, तो यही कन्फर्म करना चाहता था, जब हम बच्चों पर काम विकार का, क्रोध का, मोह का, अहंकार का, लोभ का जब अटैक होता है, तो वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं प्रवेश करके हमको कंट्रोल करती है और हमारे द्वारा वैसा विकर्म कराती है। तो ये बात सही है,
गलत है, मैं वही कंफर्म कर रहा था बाबा। गलत है बात क्या, बात तो सही है। उनका प्रभाव तो, प्रभाव से तुम प्रभावित हो जाते हो। तुम यहाँ संगम दुख में प्रभावित होते हो, इसका मतलब 63 जन्म में वहाँ भी उनकी प्रजा बनूंगी। जो यहाँ भूतों से प्रभावित नहीं होते वो वहाँ भी उनकी प्रजा नहीं बनेंगे, वहाँ भी उनसे लड़ाई लड़ते रहेंगे, विधर्मियों से, कामी इस्लामियों से, क्रोधी क्रिश्चियन से, लोभी मुस्लिम से, अहंकारी रशियन से लड़ेंगे, लेकिन उनके सामने झुकेंगे नहीं। झुकेंगे नहीं। बाबा हम तो अभी पुरुषार्थी है ना बाबा, पुरुषार्थी है तो लड़ाई चालू है, हार जीत तो होती जाती होती रहती है। तो अभी फाइनल परीक्षा तो वही नहीं है कि कौन हारा है कौन जीता है। अच्छा फाइनल परीक्षा में जीत जाएंगे? नहीं अभी तो एक बार अनुभवी बन जाएंगे तभी जीत। एक बार अनुभवी, बार बार माया जाऊं कर रही है, एक बार ही मार सकते हैं। तीनों देवता जो है पूजा की मान्यता दी है, गणपति को मैंने गणपति की पूजा उनको भी स्वीकार है, तो फिर ये तो भक्ति मार्ग वाले हम क्यों नहीं करना पूजा करते? नहीं वो भक्ति मार्ग में ही मान्यता है। जो भक्त हैं जानवर जैसी बुद्धि वाले हैं, उन जानवर जैसी बुद्धि वालों में गणेश है मुख्य, सब मुख्य नहीं है। क्योंकि माता पिता के साकार स्वरूप को उन्होंने मान्यता दी। एक प्रश्न हमेशा ख्याल में आता होगा, तो बाहर के है मेरे जैसे कि बाबा आए हुए है, बाप आया हुआ है, बाप को पहचानना जरूरी है, दो साल पहले जिन्होंने पहचाना होगा भी पहचान दे, लेकिन अब वक्त थोड़ा रखना चाहिए विलास के लिए। अब ये तो शहरों में ही चल रहा है, लेकिन देहातों की जब बात है तो तब तक तो विनाश जो हो जाएगा तो उनको पता नहीं चलेगा, ये दिनों में बात आती है। मनुष्य के पास तन मन और धन 3 शक्तियां हैं और 4थी शक्ति है वाचा, 5वीं शक्ति है दृष्टि। दृष्टि भी तो एक शक्ति है। तो अभी तक ब्रह्मा कुमार कुमारियों की स्टेज पर रह करके बेसिक नॉलेज के बतौर हमने कौन सी शक्तियों का प्रयोग करना सीखा है? वाचा का प्रयोग किया है, धन का प्रयोग किया है, तन की भाग दौड़ का प्रयोग किया है, क्या मनसा की पावर आई है? मनसा की एकाग्रता ही अभी नहीं आई है। तो मनसा जिससे वाइब्रेशन कैच होता है, जानवर वाइब्रेशन कैच नहीं करते, वाइब्रेशन को बनाए नहीं सकते, वाइब्रेशन को बना करके दूसरों को प्रभावित नहीं कर सकते, क्योंकि उनके उनके अंदर मन और बुद्धि की पावर नहीं है। और मनुष्य के अंदर मन बुद्धि की पावर है, लेकिन मन बुद्धि की पावर होते हुए भी भगवान को 70 साल हो गए पढ़ाई पढ़ाते पढ़ाते भी, तो भी अभी मन की पावर इकट्ठी नहीं कर पाई। तो क्या आप समझते हैं कि ये मानसिक पावर एकाग्र होगी ही नहीं है? होगी, मानसिक पावर एकाग्र होगी, और एक की भी मानसिक पावर एकाग्र हो गई तो वो अपने सहयोगियों को जरूर प्रत्यक्ष कर देगा। आठ सहयोगी तैयार हो जाएंगे, 8 सहयोगी और 1 वो, ये 9 तैयार हुए तो जैसे जो दिशाएं हैं 10, वो 10 दिशाओं को जीत लिया। मनसा की पावर, वाइब्रेशन की पावर सबसे बड़ी पावर है। मनसा एकाग्र होती है तो दृष्टि जरूर एकाग्र रहती है, मनसा एकाग्र नहीं होती है तो दृष्टि भी कितना भी हम रोकना चाहें तो इधर की उधर हो जाएगी, उधर की उधर हो जाएगी। ये इंद्रियां हैं, ये स्थूल इंद्रियां हैं, सब इंद्रियों में श्रेष्ठ इंद्रियां हैं,
बाबा कहते ये बहुत धोखा देने वाली है। क्या आंखों की पावर जो है, पावर को पावर तो है लेकिन बहुत धोखेबाज हो गई। क्यों? क्योंकि मन जो है वो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है। मन ग्यारहवीं इंद्रिय है और वो ग्यारहवीं इंद्रिय दसों इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करती है। ग्यारहवीं मन इंद्रिय ऐसी इंद्रिय है कि अगर वो किसी इंद्रियों को सहयोग न दे तो कोई भी इंद्रिय अपना भोग ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे कोई आदमी रास्ते में जाता है या कारखाने में काम करता है और अपनी महबूबा को याद कर रहा है, रास्ते जाते जाते कितने लोग निकल गए और उससे पूछा गया कौन कौन तुम्हारी आंखों से सामने से निकल गया, तुम तो आंखें खोल के जा रहे थे। उसे पता ही नहीं आंखों ने क्यों नहीं देखा, आंखें खुली थी, आंखें अपना काम कर रही थी, फिर आंखों ने देखा क्यों नहीं? मन ने उसका साथ, आंखों का साथ ही नहीं दिया। ऐसे ही और भी जितनी भी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों का साथ अगर मन नहीं देगा तो भोग भोगा ही नहीं जा सकता, न सुख भोगा जा सकता है और न दुख भोगा जा सकता है। सुख दुख से परे हो जाएगा, उसको कहेंगे अतींद्रिय सुख भोगने वाला। तो अतींद्रिय सुख भोगना है तो मन को कंट्रोल करना है, और मन जब कंट्रोल होने लगेंगे तो सारी दुनिया में, गांव गांव में, शहर शहर में स्वतः ही आवाज फैलेगी। अखबार भेजने की जरूरत, अखबार तो अभी भी गांवों में नहीं पहुंच रहे हैं। पहुंच रहे हैं क्या? नहीं पहुंच रहे। भगवान कैसे है, परमात्मा कहते हैं कि आखिर श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ है, आखिर भ्रष्ट तो भ्रष्ट है, भ्रष्ट तो भ्रष्ट है, आखिर श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ है, आखिर भ्रष्ट तो भ्रष्ट है। तो कैसे बाबा से विश्लेषण कराना चाहते हैं? आंखें आंखें अभी सबसे ज्यादा धोखा नहीं दे रही है तो भ्रष्ट से भ्रष्ट भी है, और मन एकाग्र हो जाएगा तो आंख भी एकाग्र हो जाएगी। उस आंख में जो देखेगा उसका कल्याण हो जाएगा। दृष्टि से सृष्टि सुधरती है तो आंख श्रेष्ठ बनेगी तभी सृष्टि सुधरेगी, या सबकी आंखों में आंखें डाल के देखने से सृष्टि सुधर जाएगी? अरे संग का रंग लगता है, इंद्रियों से ही संग का रंग लगता है। तो जब इंद्रियों से ही संग का रंग लगता है तो आंखें तो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, और जो आंखें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है और सबसे ज्यादा भ्रष्ट है तो किसकी आंख का संग करना है और किसकी आंख का संग नहीं करना है, ये जानकारी तो होना चाहिए। जानकारी न होने की वजह से फिर जो अच्छे अच्छे रास्ते पर चलने वाले हैं, आज अच्छी अच्छी कन्याएं निकल रही हैं, बीके में सरेंडर हो रही हैं, उनको सिखाया जा रहा है संदली में बैठो और सबको दृष्टि दो, तो ये पतन के मार्ग पे ले जा रहे हैं या उत्थान के मार्ग पे ले जा रहे हैं? उनका मन कंट्रोल हो पाएगा? कंट्रोल ही नहीं हो पाएगा। इंद्रियों को अगर हम खुला छोड़ देंगे, खुली छूट दे देंगे तो मन तो बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आएगा, बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जब गला कट जाता है तो देवान अलग हो जाता है कि नहीं? है देवान खत्म हो जाता है ना, थोड़ी देर छटपटाता है और हाँ। तो ऐसे ही ये सदर्शन चक्र का मतलब है, ये ज्ञान का चक्र है, ये ज्ञान का चक्र है। राम वाली आत्मा कहो, कृष्ण वाली आत्मा कहो, दोनों मिलकर के इस समय वो चक्र घुमा रही है कि नहीं? जब चक्र घुमा रही है तो पार्ट भी तो लोगों के प्रत्यक्ष हो रहे हैं कि नहीं? है राम कृष्ण वाली आत्माओं के पार्ट पहले प्रत्यक्ष हो रहे हैं या दूसरों के पहले पार्ट प्रत्यक्ष हो रहे हैं? तो राम कृष्ण वाली आत्माओं को जब पार्ट प्रत्यक्ष हो रहे हैं तो लोगों को पता लग रहा है कि नहीं कि ये श्रेष्ठ आत्मा है और हम
इनके माँ मुकाबले जय अभिमानी सांडे है। तो देवान खत्म हो गया ना, देवान रह गया कि खत्म हो गया? हाँ, उनके सामने झुक गए ना। ये ज्ञान का चक्र घुमाएंगे, ज्ञान कौन वो असुर, वो असुर है ना, देहाभिमानी असुर है ना, वो ज्ञान का चक्र घुमा ही नहीं पाते। तो अभी नंबर और माला के मन के सेट हो रहे हैं। हाँ। तो अभी जो माला के दो मन के तो भी क्लियर हो गए। चलो हाँ? तो राम बाप वाली आत्मा और ये भी नहीं बहन वाली आत्मा, क्यों पांच नहीं डिक्लेयर हो गए? पांच मन के डिक्लेयर नहीं हो गए? उन दो मणकों से पहले तीन पहले ही नहीं डिक्लेयर हो गए? ब्रह्मा विष्णु शंकर हाँ। तो फिर ये दो क्यों बोले तुमने? हाँ, अष्टदेव में से दो प्रत्यक्ष हो गए, अष्टदेव में से दो तो प्रत्यक्ष हो गए। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी जो छह रह गए, हाँ उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, तो उसके लिए अभी रास्ता कैसे? जैसे जैसे त्रिमूर्ति को बहुत लंबा टाइम हो लग गया प्रत्यक्ष होने में, सन 36 से लेकर के और ये इतना लंबा टाइम लग गया, इतना लंबा टाइम अष्टमूर्तियों अष्टदेवों को प्रत्यक्ष होने में नहीं लगेगा। बाबा अभी ये जो मन के अष्टदेव में से या जो भी मन का मन के को से अपने बुद्धि में आ रहा है कि मैं इस माला का अमुक अमुक नंबर का मन का हूँ, तो उसको कैसे पता चलता है बाबू? पहले ये पता चले हम किस धर्म के हैं, किस धर्म विशेष के, किस कुल विशेष के हैं, हमारा कुल का नायक कौन है। जब कुल का पता चल जाएगा, अपने धर्म का पता चल जाएगा, तो धर्म खंड का भी पता चल जाएगा हमने किस धर्म खंड विशेष में विशेष पार्ट बजाया। जैसे इस्लामी है, इस्लाम धर्म में जाने वाली आत्मा होगी तो उसको अंदर ये आएगा ना कि हमारा मुखिया कौन है, हम किसकी बात मानते हैं। वो राम वाली आत्मा की बात मानेंगे नहीं मानेंगे? किसकी मानेंगे? जो इस्लाम धर्म के मुखिया होंगे उन्हीं की बात मानेंगे। इस्लाम धर्म का जो बीज रूप तो अष्टदेव में से जो तीसरा नंबर का मन का है वो हो जाता है। इस्लाम धर्म का जो बीज है वो अष्टदेव में से जो तीन नंबर का मन नहीं, इसके ऊपर लाख जन्म नहीं। इस्लाम धर्म की जो बीज रूप आत्माएं हैं वो सूर्यवंशी होंगी या दूसरे धर्म की होंगी? दूसरे धर्म की होगी। अच्छा, दूसरे धर्म की होंगी अष्टदेव? नहीं, अष्टदेव नहीं बाबा। हाँ, इस्लाम धर्म का मुखिया होगा, दूसरे धर्म का होगा, तो दूसरे धर्म का होगा वो अष्टदेव कैसे बन जाएगा? अष्टदेव में भी लास्ट जन्म में तो सिलका तो चढ़ता है ना बाबा? लास्ट जन्म में जो सिलका चढ़ता है उसके लिए तो छूट ही है कि माया किसी को छोड़ती नहीं। आज के जन्म में सत्य द्वापर के पहले जन्म में नहीं पकड़ेगी तो कम से कम आखिरी जन्म में तो पकड़ ही लेगी। अगर पकड़े ही नहीं माया, वो तमो प्रधान आत्मा बने ही नहीं कभी, तो फिर सतो प्रधानता का उसको सुख महसूस होगा ही नहीं। जिसने दुख भोगा है उसको सुख महसूस होता है, जिसने सुख भोगा है उसको दुख महसूस होता है, दोनों बातें चाहिए। हाँ, क्रोध के नीचे क्या है? क्या बोला? पृथ्वी के नीचे क्या है? पृथ्वी तो गोल है, पृथ्वी गोल है। इनको कभी नक्शा वो दिखाना, ग्लोब, स्कूलों में ग्लोब रखा होता है ना, वो ग्लोब दिखाना माताजी को, देखा नहीं इन्होंने। पृथ्वी तो ऐसी गोल है, हैं? जो गोल है ना वो पृथ्वी, और जो सितारे हैं, ग्रह उपग्रह हैं, उनमें भी आकर्षण शक्ति है और पृथ्वी में भी आकर्षण शक्ति है। एक दूसरे के आकर्षण से सब जहाँ के तहाँ सदे हुए हैं, गिरते नहीं है। इसके अलावा पृथ्वी का जो वायुमंडल है, वायुमंडल से परे स्पेस है, उस स्पेस में जाने से पृथ्वी का आकर्षण खींचता ही नहीं। क्या? जैसे यहाँ आपस में कोई दो का प्यार हो जाए, जिन दो का प्यार हो जाएगा वो अगर नजदीक आते रहेंगे तो प्यार बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। और एकदम दूर चले जाएं, विदेश में चले जाएं और हमेशा के लिए चले जाएं, पता लग जाए कि ये तो 20-50 वर्ष के लिए गए, तो आकर्षण घटेगा या बढ़ेगा? घटेगा।
बाबा ने भी यही बताया, आपस में किसी का किसी से लगाव लग जाए तो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। क्या मुंह भी नहीं? अगर मुंह भी देखा तो लगाव बढ़ेगा, अटैचमेंट बढ़ेगा, और अटैचमेंट बढ़ेगा तो हाँ तो अवस्था नीचे गिरेगी, क्योंकि देहधारी ने देहधारी से प्राप्ति करने की कोशिश की, देहधारी से योग लगाया, देहधारी का देहधारी से योग लगेगा तो रिजल्ट क्या आएगा, घट्टे में गिरेगा। तो ऐसे ही पृथ्वी, अब बात तो पूरी होने दो, ये पृथ्वी जो है ये पृथ्वी का भी अपना एक क्षेत्र है, वायुमंडल है, उस वायुमंडल में आकर्षण रहेगा। अगर पृथ्वी के वायुमंडल का आखिरी छोर है और कोई जहाज वहां पहुंच गया और फेल हो गया तो वो खिसके नीचे आएगा, लेकिन वायुमंडल से अगर परे हो गया तो वहां का वहीं लटका रहेगा, ना नीचे आएगा ना ऊपर जाएगा। ये हिसाब है, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी के ऊपर भी ग्रह उपग्रह हैं, पृथ्वी के नीचे जिसे कहा जाता है वहां भी ग्रह उपग्रह हैं, बाकी नीचे ऊपर कुछ है नहीं। क्या ये कहा ही नहीं जा सकता नीचे और ऊपर, पृथ्वी तो घूमती रहती है। क्या तो जब घूमती रहती है तो जो नीचे है वो ऊपर हो जाता, ऊपर है तो नीचे हो जाता। हाँ है, है? क्यों नहीं समझ में, नहीं समझ में आएगा? अभी अभी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा कनेक्शन किस किस इसके साथ कहाँ कहाँ कैसे कैसे हो रहा है, आ रहा है ना? तो ऐसे ही अंत में अपना बाप भी पता, ऐसे ही अपना बाप भी पता लग जाएगा कि हमारा बाप कौन है वास्तव में, जन्म जन्मांतर का, जिसकी मत पर हम जन्म जन्मांतर चले हैं। है बाप के आधार पर पूरे वंश का पता चलेगा। प्रश्न आया है कि बाबा जो पुरानी पुरानी मुरलियां पढ़ रहे हैं वो जिसको चाहिए वो मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? क्यों नहीं मिलेगी है? जो उनका स्टॉक है तो मांग जिसको चाह होगी वो राह निकाल लेगा। सत्यमेव जयते तब होगी जब हम सत्य बन जाएंगे। हाँ संगम में ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात होती है। हाँ ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का दिन, ब्रह्मा की रात तो ब्राह्मणों की रात। अरे पहले गीता का भगवान किसकी बुद्धि में बैठना चाहिए? गीता का भगवान कौन है ये पढ़ाई पढ़ने में मुख्य कौन है? है वो तो शिव है, मालूम पड़ गया शिव है, लेकिन गीता का भगवान पढ़ने की जो पढ़ाई है वो पढ़ाई कौन सी आत्मा के लिए खास है? ब्रह्मा वाली आत्मा। वो आत्मा द्वापर युग से लेकर के कलयुग अंत तक यही सुनती चली आई है गीता का भगवान कृष्ण। तो 63 जन्मों का जिसके अंदर भाव बैठा हुआ है कि गीता का भगवान कृष्ण, और आखिरी जन्म में उसने जान लिया कि मैं ही कृष्ण हूँ, मेरे अंदर ही शिव आता है, ये पक्का निश्चय बुद्धि हो गया, तो उसके अंदर से ये रग कैसे, ये छिलका कैसे हटेगा? उसके अंदर से ये छिलका जल्दी हटेगा या देर में हटेगा? देर में हटेगा। तो वो आत्मा अगर ये पक्का कर लेगी
कि मैं गीता का भगवान कृष्ण नहीं हूँ, उसी समय वो आत्मा दिन में आ जाएगी। ब्रह्मा का दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी दिन। अभी ब्राह्मणों को निश्चय अनिश्चय क्यों आ रहा है? क्योंकि पहले पत्ते को ही निश्चय पक्का नहीं बैठ रहा है। पहले पत्ते को जब निश्चय पक्का बैठेगा तो सबको निश्चय पक्का बैठेगा। पहले पत्ते को जो जन्म देने वाली गीता माता है, हाँ, सभी को इसमें जवाब होगा ना, चार्ज होगी नहीं, कई संभाल रही है ना, हाँ? क्या होगा? माँ बच्चे के प्रभाव में होती है या बच्चा माँ के प्रभाव में रहता है? क्या होता है? माँ बच्चे के प्रभाव में आ जाती है। तो माँ के ऊपर राज्य किसका है? गीता माता, जो गीता माता है, माँ है, उसके ऊपर काबिज होकर के कौन बैठा हुआ है? गीता माता का गीता पति भगवान बनकर के कौन बैठा हुआ है? घर घर में आजकल क्या देखने में आ रहा है? माताओं के बच्चे जो हैं, वो बच्चे माँ के ऊपर राज्य चलाते हैं या बाप का राज्य रहता है? बच्चों का ही राज्य है घर घर में, जबकि होना चाहिए माँ का राज्य। अगर बाप खुदा न खास्ता चला जाए तो घर में अथॉरिटी किसकी होनी चाहिए? माँ की होनी चाहिए। लेकिन है क्या? क्यों है? क्योंकि गीता का भगवान जो कृष्ण है, कृष्ण वाली आत्मा, उसकी बुद्धि में नहीं बैठा हुआ है तो दूसरों की बुद्धि में बैठ ही नहीं सकता है। और ये आस पास बैठे इनको कम तंग करती है। अच्छा, हाँ जी, ज्ञान एडवांस में चलने वाली, कई कई जो माताएं हैं या कन्याएं हैं तो उनके कुछ चलन है अभी यज्ञ में, तो उस चलन के आधार पर अगर वर्तमान में उनका जो अभी जो बाबा ने बोला है कि किसी का राष्ट्रीय का चेहरा बन रहा है, किसी का देवी का चेहरा बन रहा है, तो उस चलन के आधार पर अगर उनका अभी सुपना का पुतना का चेहरा प्रत्यक्ष हो रहा है और ब्राह्मण परिवार में ये बात फैल रही है और ये बात साधना को अगर समझाई जा रही है और फिर भी वो आत्मा वो बात समझते हुए भी न समझने का जैसे कि ढोंग कर रही है, तो ऐसे आत्मा को परिवर्तन करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने को परिवर्तन करना चाहिए। हमारा परचिंतन क्यों चलता है? परचिंतन नहीं बाबा, तो क्यों चले? हम सुधर जाएंगे तो हमारी आंखों के सामने कोई भी अंश सुधरेला आएगा ही नहीं। हम नारायण बन जाएंगे, नारायण के स्वभाव संस्कार वाले अगर हम बन गए तो हमारे संसर्ग संपर्क में जो भी आएंगे वो सब अच्छे ही आएंगे या बुरे आएंगे? अच्छे ही आएंगे। इसलिए कहीं भी किसी की भी साथी की गलती देखते हैं, कमी देखते हैं तो क्या समझना चाहिए? ये हमारी गलती है, हमारी कमी है। और एक बाबा प्रश्न था, एडवांस में चलने वाले एक एक जो पुरुष टोले वाले जो है तो क्लास में बैठते वक्त या फिर बाबा का जहाँ संगठन वगैरह होता है तो वहाँ जो ड्रेस पहन के आते हैं तो वहाँ वो जैसे कि शर्ट इन करके आते शर्ट इन होती है ना, ऐसे शर्ट अंदर डाल के आते हैं तो, और कई कई माताएं जो होती है तो कई कई माताएं होती है तो उनके वैसे ड्रेस के कारण या कुछ पर्सनैलिटी के कारण उनकी दृष्टि उसकी खराब होती रहती है, और कई कई माताएं भी ऐसी है बाबा कि उनके जो कपड़े होते हैं जैसे कि कई कई माताएं गाउन पहनती है तो गाउन पहनने के कारण भी उनकी दृष्टि उसकी खराब होती रहती है, तो ऐसे दोनों के क्योंकि अभी तो समय प्रधान का भी शूटिंग समय बढ़ रहा है, शूटिंग हो रही है, तो ये जो है इसके ऊपर बंधन आना चाहिए कि नहीं हो? गाउन जो है वो विदेशों से आया है या भारत में था?
विदेश से क्या है, जो भी पहरावा है, जो भी रहन सहन है, और जो विदेशों से आ रहा है वो कामुकता को बढ़ाने वाला होगा या काम विकार को घटाने वाला होगा? क्यों होगा? क्योंकि जो दूसरे देश हैं, वो दूसरे धर्म हैं, वो सब काम विकार को बढ़ावा देने वाले हैं। कोई कहे बौद्धि धर्म, बौद्धि धर्म तो मुसलमानों के कब्जे में आ गया, उन्हें तो हाथ उठा दिए, जैसे ही तलवार लेकर के आक्रमण किया मुसलमानों ने, बौद्धियों ने हाथ उठा दिए, अपने बीवी बाल बच्चे उनको अर्पण कर दिए, तो जो खुद ही आधीन हो गया वो तो पराधीन हो गया ना, तो उनकी बात छोड़ दो, वो भी पराधीन हो गए। बाकी जो मुस्लिम हैं, जो भी क्रिश्चियंस हैं, जो भी नास्तिक हैं, जो भी इस्लामी हैं, वो सब विदेशी संस्कृति ये सिखाती है कि विचार को बढ़ाओ ताकि जनरेशन ज्यादा पैदा हो, जनरेशन ज्यादा पैदा होगी तो दुनिया में हमारी मान्यता ज्यादा हो जाएगी। ये उनका, ये उनकी मान्यता है, तो वो मान्यता सही नहीं है। शेर बच्चा होना चाहिए, एक बच्चा शेर जैसा पैदा हो वो अच्छा, या ढेर के ढेर गीदड़ पैदा हो जाए वो अच्छा, शेर जैसा एक बच्चा होना चाहिए। तो ये जो पहनावा विदेश से आ रहा है, वो पहनावा विदेश से आने वाला विकारों को बढ़ाने वाला है, और वो ईश्वरीय ज्ञान में बाधक है, वाइब्रेशन को खराब करने वाला है। हाँ, है मोटा ताजा बनने के लिए खाता था, है? हाँ, जो मोटा ताजा कैसे बनेगा? चलो उसके घर में तो माखन है ढेर सारा, ढेर सारी गऊए हैं, लेकिन जो संगी साथी हैं उनके पास तो नहीं है, तो उनको भी खाने को मिले, इसलिए चुराता था। आ, आ, बाबा, है, मंद बच्चे क्यों होते हैं? क्या मतिमंद? हाँ, पूर्व जन्मों का हिसाब किताब नहीं होता है, इतनी बात नहीं समझ आ रही है? हाँ, जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप के ऊपर जीत पहन करके आते हैं पूर्व जन्म में। पूर्व जन्म में बच्चों ने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जो माँ बाप के ऊपर जीत पाए हुए हैं, जीत पाए हुए होने के कारण वो आकर के जन्म लेते हैं माँ बाप के यहाँ। माँ को भी दुख होता है, बाप को भी दुख होता है, पालना में भी दुख होता है, पढ़ाने लिखाने में, उनकी चट्टी पेशा साफ साफ करने में भी दुख होता है, और फिर जब बड़े होते हैं तो सारी जिंदगी की कमाई उन बच्चों को सौंप देनी पड़ती है। तो पूर्व जन्म से ये नुधा हुआ है कि उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, और उनके मुकाबले जो माँ बाप पूर्व जन्म में उनके साथ रहे अच्छे कर्म नहीं किए, उनको भुगतना पड़ेगा। हाथ जो है भुजा सहयोगी की निशानी है, जैसे कहते हैं हमारा भाई मर गया, दाई भुजा हमारी टूट गई, तो भुजा थोड़ी टूट गई, जो सहयोगी था वो खत्म हो गया। तो ऐसे ही देवियों की ढेर की ढेर भुजाएं होती हैं, उनको सहयोग करने वाले ढेर के ढेर निकलते हैं, क्योंकि देवियां जो हैं वो धारणा शक्ति वाली होती हैं, क्या मीठे स्वभाव वाली होती हैं, और जो शंकर जी हैं उनको भुजाएं नहीं दिखाते हैं। त्रिमूर्ति में शंकर जी को कड़क बैठे दिखाया है या ब्रह्मा की तरह आराम से बैठे हुए दिखाया? कड़क दिखाया, तो ज्यादा कोई कड़क रहेगा उसका साथ कौन देगा? कोई सहयोगी बनेगा? कोई सहयोगी नहीं बनेगा। हाँ, हाँ, इसीलिए कड़क दिखाया जाता है कि वो नीच में, नियम में, बाबा के महावाक्यों में, हर बात में कड़क होकर के रहते हैं, उतना पुरुषार्थ कोई कर नहीं सकता कड़क। हाँ जी, हाँ जी बाबा, मोहम्मद बिन कासिम का अर्थ क्या होता है?
ये मुसलमानी नाम है कि हिंदुस्तानी नाम है? मुसलमानी नाम है, अभी तो जो हिस्ट्री में जो बात प्रत्यक्ष है, सच्चाई है, वो बताई गई। ये नाम है, कलयुग की दुनिया के नाम है। अब तुम हर एक का नाम ब्रह्मा बाबा के साथ टैली करना चाहो कि ब्रह्मा बाबा का नाम दादा लेखराज था, भाग्य का लेख लिखने वालों का राजा उनका नाम था, तो मुसलमानों को कैसे साबित हो जाएगा? नाम कुछ और है, करते कुछ कुछ और है, इससे टैली नहीं होता है। मुसलमानी नाम है, मुसलमानी अर्थ है, मुसलमानी शब्द है। कासिम का अर्थ वो क्या लगाते हैं तो वो ही जाने। उनके शास्त्रों में कासिम शब्द आए हैं। बिन क्या है, मोहम्मद क्या है, हम अपना उसको उसका अर्थ लगाएंगे तो हमारा अर्थ अलग हो जाता है। मोहम्मद मुंह में जिसके मद भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, वो है मोहम्मद। सारी मूर्तियों को कटवा डाला। पहले इस्लामी जो थे वो मूर्ति देवताओं की मूर्तियों को पूजा करते थे। मोहम्मद ने क्या किया? इतना अहंकार कि उन्होंने सारी मूर्तियों को तोड़वा दिया। नाम उसका पड़ा है मोहम्मद। मुसलमान अल्लाह अकबर इसलिए कहते हैं, अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा। क्या? अल्लाह माने ऊंचे से ऊंचा, और अकबर माने अक माने अकौआ। अक, अक का फूल देखा ना, आक। अवर माने श्रेष्ठ, माने आक की तरह जो पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, दुर्गंध छोड़ने वाली आत्माएं हैं, उन आत्माओं के बीच में जिसने सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाया उसका नाम अकबर। तो अल्लाह का नाम जोड़ दिया, और फिर जितने भी मनुष्य हैं उन मनुष्यों के बीच में जिसने सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाया, क्योंकि मनुष्य जितने हैं वो सब आखिरीन दुर्गंध छोड़ने वाले हैं या सुगंध छोड़ने वाले हैं? सारे दुर्गंध छोड़ने वाले हैं, तो वो सब अक हो गए। ये लड़ाई झगड़े का काम है, दूसरों की बुराई करना, ये दुर्गंध छोड़ना हुआ ना। अगर बाबा दूसरों की बुराई करना ये दुर्गंध छोड़ना है, लेकिन दूसरों की बुराई समाने की ताकत भी तो होनी चाहिए अंदर। अगर ये समाने की ताकत हमें नहीं है और हम बाबा को बताते तो ये बुराई करना होता है क्या बाबा? जो दुर्गंध की चीज होती है, गंदी बात होती है, कचरा होता है, उसको गड्ढे में दबाया जाता है या चारों तरफ बिखेरा जाता है? गड्ढे में दबाया। तो अगर हम बड़ी सभा में हम कचरे को उछालेंगे, कचरे में से दुर्गंध निकल रही है, तो वातावरण खराब होगा या अच्छा होगा? खराब होता जाएगा। है? हाँ जी, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। ब्रह्मा कुमारी कोई राजा कुमारी बनेगी, कोई प्रजा कुमारी बनेगी। तो हम अपनी चिंता करें या परचिंतन करें? परचिंतन पतन की जड़, और सचिंतन उन्नति की सीढ़ी। ये क्या है? ये मुंह में से जो आवाज निकलती है, जो अंदर, ये क्या शंख नहीं है? ये शंख बज रहा है ना, अब ज्ञान का शंखनाद हो रहा है। ये ज्ञान का शंखनाद जब होता है तभी लड़ाई शुरू होती है। कहते भीष्म पितामह ने सबसे पहले शंखनाद किया ना, तो अपने ज्ञान में देखना चाहिए कि भीष्म पितामह कौन है, कौन सी आत्मा है जो पहले शंखनाद करेगी और बस लड़ाई शुरू हो जाएगी।
एडवांस में कौन सी आत्मा ऐसी है? एडवांस में भी तो कोई आत्मा ऐसी होगी जिसने ज्ञान का शंख पहले पहले बजाना शुरू किया होगा, और आपस में ये मारा मारी ब्राह्मणों की दुनिया में शुरू हो गई। कौन है? नहीं, राम वाली आत्मा है। हाँ, जो इस्लाम धर्म की बीज यज्ञ के आदि में है, जो एडवांस के आदि में चार कुमार थे ना, है चार कुमार, चार धर्मों के बीज, राम के चार भाई या ब्रह्मा के चार मानस पुत्र, है ना? तो उन मानस पुत्रों में जो सबसे बड़ा था, क्या वो इस्लाम धर्म का बीज साबित होता है? वो आत्मा जब दक्षिण भारत में गई और वहां जाकर के उसने एडवांस का ज्ञान सुनाया तो कर्नाटक जग गया। क्या? दक्षिण भारत में जो दक्षिण भारत, भारत का विदेश कहा गया है, वो कर्नाटक जग गया। उस विदेश को किसने जगाया? विदेशी धर्म का जो बीज है इस्लाम धर्म वाले ने जगाया। बाबा कहते हैं कि बाप को प्रत्यक्ष कौन करेंगे, विदेशी या स्वदेशी? तो वो बीज रूप आत्मा में उन चार में वो फर्स्ट विदेशी निकला जिसने दक्षिण भारत में जाकर के बाप को प्रत्यक्ष किया। तो शंखनाद कर लिया ना, वो एक ही है चार भाइयों में जो शादी नहीं करता, और बाकी तीनों ही शादी आदि कर लेते हैं। तो भीष्म पितामह प्रत्यक्ष हुआ ना, वो है इस्लाम धर्म का, तो भी होने के कारण भी वो शादी नहीं करता है। इस्लाम धर्म का भी शादी करने के बाद पतित होने का लाइसेंस मिल जाता है, या शादी न करें तो पतित होने का लाइसेंस मिलता है? शादी करने के बाद मिलता। तो ज्यादा पतित कौन बनेगा? जिसको लाइसेंस मिलेगा वो ज्यादा बंदूकें छोड़ेगा, या जो 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 जिसको लाइसेंस मिला ही नहीं वो ज्यादा बंदूक छोड़ेगा? सीधी सीधी बातें होती है। और भीष्म पितामह ने शंख बजाया और युद्ध शुरू हो गया। है आज के जो भीष्म पितामह हैं, जो घर घाट छोड़ करके बाल ब्रह्मचारी बन करके बैठे हैं, बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हैं, जिनको सारी दुनिया मानती है, पूरा परिवार मानता है, पांडव भी मानते हैं, कौरव भी मानते हैं, यादव भी मानते हैं, उनको महान समझते हैं, ताकतवर समझते हैं, वो सन्यासी, बड़े बड़े सन्यासी जो हैं, कन्याओं माताओं की जो दुर्गति हो रही है वो उंगली उठा रहे हैं क्या? फिर द्रौपदी को जब नंगे कर रहा था उत्तराखंड में, कोई गुरु आदमी सब बैठे थे, क्यों नहीं बोले? आज की दुनिया की ही बातें हैं ना, कहीं बाहर की दुनिया की बातें अभी आगे चल के और देखेंगे और ज्यादा देखेंगे। सामने सामने नगन होते रहेंगे और कोई उंगली नहीं उठाएगा, कोई कुछ बोलेगा नहीं। अट्ठानवे की तो बात है, 98 में कंपिल में, कंपिल के बाबा को पकड़ा गया, पुलिस पकड़ के ले गई, उनके कन्याओं के माँ बाप अपने अपने घर में से निकल पड़े, हम अपनी कन्या को छुड़ा लाए। कन्या भी गई पुलिस में और बाप भी पुलिस में गया कोर्ट कचहरी में, झगड़े हुए। अखबार वालों ने आवाज उठा दी कि यहाँ तो व्यभिचार होता है, भ्रष्टाचार होता है, जो उससे प्रभावित होकर के जो एसएसपी था और जो जज था उन्होंने आपस में मिसकाउट की कि कन्या का मेडिकल टेस्ट कराया जाए, वो हॉस्पिटल ले जाएगी। एसएसपी ने चिट्ठी लिख करके दे दी डॉक्टर को, टेस्ट कराओ।
क्योंकि कानूनी तौर पर तो कोई ऐसा बनता ही नहीं है कि कोई किसी को जबरदस्ती मेडिकल टेस्ट कराए कन्या को या माता को, वो नहीं कराना चाहे तो नहीं कर, लेकिन वह चिट्ठी लिख करके अपनी ताकत फिर भी लगा दी। कन्या तो बेचारी गई, बाबा तो जेल में, कर ही क्या सकते हैं। फिर क्या हुआ, वो पता नहीं उसमें कौन सी सोल ने प्रवेश किया, इतनी जोर जोर से चिल्लाई पूरा हॉस्पिटल थरथरा गया और दोनों डॉक्टर भाग गए। आप बताओ द्रौपदी की इलाज बची कि नहीं बची। ये तो एक मिसाल है, आगे चल करके ये चारों तरफ ऐसा ही माहौल बनेगा। और जो भगवान के सच्चे बच्चे होंगे उनकी लाज बचेगी। बारह ज्योतिर्लिंगम, हाँ हाँ बारह ज्योति, हाँ ज्योति, हाँ 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 सुन लिया। तो आप क्या पूछ रहे हैं, क्या है? 108 आत्माएं माला में हैं, है ना? 108 जो माला में आत्माएं हैं वो 9 धर्मों की 12 12 आत्माएं हैं या नहीं है? 12 नेमा 108, जो 9 धर्म हैं उन 9 धर्मों में जो अव्वल नंबर धर्म है वो सूर्यवंशी। सूर्यवंशी के जो 12 मणके हैं उन 12 मणकों को कंट्रोल करने वाला एक शिव है या नहीं है? तो जो एक शिव है जो 11 रुद्रगणों को कंट्रोल करता है, उनके द्वारा पार्ट बजाता है, वो शिवलिंग कहे जाते हैं। क्या? शिव के लिंग कहे जाते हैं। वो शिवलिंग का पार्ट बजाने वाली 11-12 आत्माएं जो हैं, उनकी निशानियां रखी गई हैं मंदिरों में 12 जगह, जिन्होंने सारे भारतवर्ष को, चाहे विदेशी हो, दक्षिण भारत वाले हो और चाहे उत्तर भारत वाले हो, सारे भारत का उत्थान किया। बाकी ऐसे नहीं है कि चंद्रवंशी जो हैं उनके जो 12 मणके हैं वो भी शिवलिंग है, नहीं। सिर्फ सूर्यवंशी जो 12 मणके हैं उनमें वो पहला मणका जिसमें शिव प्रवेश करते हैं वो उनको कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? जैसे बाबा ने मुरली में बोला है, जैसे ब्रह्मा की सोल तुम बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजाए रही है, ऐसे तुम बच्चे भी प्रवेश करके पार्ट बजाएंगे। तो पहले पहले कौन सा बच्चा प्रवेश करके पार्ट बजाएगा? राम वाली आत्मा उन 11 में प्रवेश करके रुद्रगणों का पार्ट बजाएगी। इसलिए वो 12 लिंग जो है वो भारतवर्ष में गाए हुए हैं, पूजे जाते हैं। और है? हाँ जी, क्यों नहीं क्लियर हुआ? राम सेतु, राम सेतु हो या कंपिल का द्रौपदी कुंड हो, ये मनुष्यों के बनाए हुए हैं, समझे हुए समझाए हुए हैं, या कोई वास्तव में कोई राम हुआ था जिसने त्रेता युग में वो सेतु बनाया था, या अभी की बात है? वो लड़ाई लड़, वो जो लड़ाई लड़ने वाले हैं वो दुनिया वाले भगत आत्माएं हैं, अज्ञानी आत्माएं हैं कि ज्ञानी आत्माएं लड़ाई लड़ेंगी? ज्ञानी आत्माएं तो समझती हैं कि वो जो सेतु बना हुआ है वो सिर्फ जो शास्त्रकारों ने शास्त्र लिखे हैं उन शास्त्रों के आधार पर उन्होंने मनगणंत रचना कर दी है कि द्रौपदी कुंड में से द्रौपदी पैदा हुई। अब द्रौपदी कुंड में से, अग्नि कुंड में से द्रौपदी पैदा होती है या ज्ञान अग्नि कुंड से कोई पैदा हो सकता है? ज्ञान अग्नि कुंड से पैदा ही होती है।